नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवीव ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। मैं आचार्य अमित शर्मा। ये बच्चों का जन्म मूलों में होता है, जैसे माता पिताओं ने मूलों में भी पूजा नहीं कराई और जब बड़े होने के बाद किसी ज्योतिष के पास जब मैं आपका जन्म मूल में हुआ है तो उसका पूजा कराने का फायदा है? अनिल जी ने पूछा है, जब बच्चों का जन्म मूलों में होता है और मूलों के समय पूजा नहीं कराई तो बाद में उसकी पूजा कराने से फायदा होता है या नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये बता दें, 6 नक्षत्र, टोटल 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि मूलों के नक्षत्र माने जाते हैं, गंड मूल। उसके लिए मूल शांति कराना अधिक होता है। 6 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? बुध के नक्षत्र और केतु के नक्षत्र, इनके नक्षत्र गंड मूल होते हैं। इन नक्षत्रों में यदि बच्चे ने जन्म लिया है तो वो नक्षत्र जब दोबारा 27वें या 28वें दिन में वापिस आता है तो उसमें उसकी मूल शांति कराना आवश्यक होता है। अगर मूल शांति 27वें या 28वें दिन नहीं कराई है, बाद में उसकी पूजा कराने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बच्चा सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है, संघर्ष में उसका जीवन बीतता है। क्वेश्चन क्या है? काल पुरुष की कृष्ण जी की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा लगन में ही बैठा हुआ है। हाँ, तो क्या तो वो काल पुरुष की कुंडली नहीं है? काल पुरुष की कुंडली विष्णु जी की कुंडली मानी जाती है, वो मेष लगन की होती है। नहीं नहीं, मैं आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा। किशन जी ने ना बुक में पढ़ा था, हाँ कालिदास जी की बुक है, हाँ उस पर अपना लिया था, उसमें पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन। हाँ, जब लग्नेश चंद्रमा लगन में ही बैठा हो तो कृष्ण जी की कुंडली वृष लगन की है, उसमें लग्नेश चंद्रमा नहीं है, शुक्र है। उसमें चंद्रमा उस राशि का बैठा हुआ है, हाँ उस वृष लगन की है और चंद्रमा वही बैठा है, चंद्रमा वही बैठा, तो वो लग्नेश नहीं है, उच्च का चंद्रमा है। नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं, वो आपने जो पढ़ा होगा उत्तर काला अमृत बुक है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, कालिदास जी का उत्तर काला अमृत है, पर वो आप नहीं होता है। और उनकी कुंडली कृष्ण जी की वृष लगन की कुंडली है और उसमें चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हुआ है। सर जी क्वेश्चन है, सब लोग
किसी की कुंडली देखकर ये फोर्सेस होता है तलाक का, प्रॉपर्टी का या उसका, ये बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये खुश हो जाता है कि आप ये मेरा केस कब तक बढ़ जाएगा, तो ये जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दशा तो घूमती रहती है, घूमते रहते रहता है। कई बार केस 10 साल चलता है, 15 साल चलता है, लेकिन वो केस का निपटारा होता ही होता है। लोग कहता है कि अगले साल जाएगा, कई बार नहीं होता, तो इसके लिए क्या उपाय और कैसे जरूरत करें कि ये काम कब तक हो जाएगा? कोई एक पर्टिकुलर केस बताओ, कोर्ट केस किस चीज का? प्रॉपर्टी का, जो तलाक का हो। चलो, तलाक का या प्रॉपर्टी का। कुंडली में यदि डायवोर्स का केस है, डायवोर्स का केस है, यानी कि कुंडली में प्रॉमिस दिख रहा है, उसके लिए हमें सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और तारक शुक्र को देखना पड़ता है। जब ये तीनों पीड़ित होते हैं, पाप ग्रहों से प्रभावित होते हैं या त्रिक भावों में बैठे हों, तो डायवोर्स होता है। अब वो डायवोर्स क्लाइंट ने पूछा कि कब होगा, तो क्लाइंट को आपको ये बताना है कि जब उसकी दशा अच्छी होगी, यानी कि अच्छी दशाएं आएंगी, नवमेश, भाग्येश, लग्नेश, दशमेश उसके ग्रह या शुभ राशि के ग्रह हैं, तभी उसकी फेवर में फैसला आएगा। नहीं तो अगर मान लो पाप ग्रहों की 6-8 की दशा चल रही है, त्रिक भावों के 6-8-12 की दशाएं चल रही हैं, तो वो तो बहुत लंबा खींचेंगी। शुभ दशाएं ही उसे जल्दी कर सकती हैं। मान लो मकान का ही केस है, देश काल पात्र के हिसाब से अगर आप इंडिया में मकान का डिस्प्यूट करते हैं तो वो तो 20-20 साल चल जाते हैं। अब उस कुंडली में आपको ये देखना पड़ेगा मकान प्रॉमिस है या नहीं, इनकी फेवर में होगा या नहीं होगा। छठे भाव का स्वामी, छठा भाव और मंगल, इन भाव, भावेश और तारक तीनों को देखने के बाद पता चलेगा कि कुंडली में प्रॉमिस इनकी फेवर में है या नहीं है। जब उनकी दशाएं अच्छी आएंगी तो अच्छी दशाओं में ही फल प्राप्त होंगे। अदरवाइज मान लो राहु केतु की दशा हो, 6-8-12 के स्वामियों की दशा हो, नीच के ग्रहों की दशा हो, अस्त ग्रहों की दशा हो, तो कोर्ट केस हारेंगे भी और बड़ा लंबा भी खींच सकता है। नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ, जब हम जाकर के कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो अधिकतर हम D1 और D9 देखते हैं, इसके आगे कम जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं उनकी वर्ष कुंडलियों के लिए, तो वर्ष कुंडलियों को कैसे देखा जाता है और उनका क्या महत्व है और विश्लेषण में उनका कितना योगदान रहता है? बजाज जी ने पूछा कि वर्क चार्ट का क्या महत्व है। कुंडली की जब आप प्रेडिक्शन करते हो फलित के लिए, सिर्फ D1 और D9 पे डिपेंड नहीं रहना। D1 की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन D1, D9, नेटल चार्ट और नवमांश, इसके बाद अष्टकवर के बिंदु और क्वेश्चन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वर्क चार्ट जरूर देखना चाहिए। महादशा, अंतरदशा देखनी चाहिए और गोचर देखना चाहिए, तब जाके प्रिडिक्शन होती है पूरी। आपने पूछा वर्क चार्ट को कैसे देखा जाता है। मान लो किसी ने आपसे नौकरी का क्वेश्चन पूछा है, तो हमें D1, D9 के 10th हाउस, 10th लॉर्ड और कारक को देखना है। साथ के साथ पोर्ट के लिए हमें D10 का भी दशम भाव, दशमेश और कारक जरूर देखना चाहिए। इसी प्रकार मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा भाग्य कब होगा, तो उसके लिए हमें D1 का और D9 का 9th हाउस, 9th लॉर्ड और गुरु जरूर देखना है। साथ के साथ D4 का 9th हाउस, 9th लॉर्ड और तारक को भी देखना जरूरी है। मान लो क्वेश्चन कोई और बदल जाता है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड वर्क चार्ट है, विद्या का क्वेश्चन है पंचम भाव पंचमेश D1 D9 के साथ में D24 को भी जरूर देखना, उसका भी 4th हाउस, 4th लॉर्ड, 5th हाउस, 5th लॉर्ड और कारक को जरूर देखना। वर्क चार्ट को देखना बहुत जरूरी होता है, बिगर वर्क चार्ट के प्रिडिक्शन कुछ कमी रह जाती है, आधी अधूरी होती है। नहीं बजाज जी, D1 में जो दशा चल रही है उसको D1 और D9 में ही देखना है। वर्क चार्ट में हमें पर्टिकुलर हाउस, भाव, भावेश और कारक की पोजीशन देखनी है। किन ग्रहों का? हाँ, कौन से घर में सबसे ज्यादा बुरा परिणाम?
आपकी कुंडली के अकारक ग्रहों का कंजंक्शन और अशुभ भावों में स्थित होना बहुत बुरा फल देता है। अकारक ग्रह बहुत बुरा फल देते हैं क्योंकि लग्नेश के अक्सर वो शत्रु बन जाते हैं, फंक्शनल मैलाफिक होते हैं और अशुभ भावों में बैठ के वो और ज्यादा बुरा फल दे देते हैं। मकर लगन में सेवंथ हाउस में शुक्र और शनि यदि एक साथ कंजंक युति है, दोनों की कंजंक्शन है, तो ये राजयोग है। लेकिन सेवंथ हाउस में शनि का बैठना खराब, सेवंथ हाउस में बैठा शनि लगन को दृष्टि दे रहा है, ये भी राजयोग है। योग कारक शुक्र और शनि की युति, ये भी योग कारक है। लेकिन सेवंथ हाउस के शुभ फलों में शनि की उपस्थिति से, शनि के प्लेसमेंट से बुरे प्रभाव मिलेंगे। शादी लेट होगी, मैरिज लेट हो जाएगी। मैरिज में यदि एक किसी और पाप ग्रह का प्रभाव भी पड़ जाता है तो मैरिज में सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवें और सातवें भाव का एक्सचेंज मैरिज लव मैरिज होती है। पांचवा भाव प्रेम का है, सातवां विवाह का है। यदि उनका आपस में एक्सचेंज होता है तो ये लव मैरिज का चांसेस है। लेकिन सेवंथ हाउस में यदि अलगाववादी ग्रह सूर्य शनि राहु या ट्वेल्थ लॉर्ड, ये चारों अलगाववादी होते हैं, अगर कोई बैठा है तो सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर दो ग्रह केंद्र में उच्च के हैं तो ये अपनी दशा अंतर दशा में बहुत शुभ फल देंगे, और दो नीच के ग्रह हैं उनमें से किसी की भी दशा अंतर दशा आएगी वो अपनी दशा अंतर दशा में बुरा फल ही देंगे। अग्नि तत्व का ग्रह यदि जलीय राशि में बैठ जाता है तो ये आग और पानी का मेल हो जाता है। उसके अग्नि, उसका जो तेज है, उग्र स्वभाव है, वो कम हो जाता है। दूसरा क्या पूछा आपने कि गुरु, हाँ गुरु अग्नि तत्व में, नहीं सॉरी, कर्क राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में उच्च होता है, वो चंद्रमा उसका अपना मित्र है। अगर वो उच्च राशि में बैठ के चंद्रमा की राशि में बैठा है तो व्यक्ति को नरम स्वभाव बनाता है और हमेशा जिंदगी भर उसको अपनी दशा अंतर दशा में उच्च फल ही देगा। गुरु अग्नि तत्व का नहीं है, नॉर्मल है, आकाश तत्व होता है, और अगर जल में बैठता है तो इनका आपस में संबंध बन जाता है अच्छा, और ये अपनी दशा अंतर दशा में शुभ फल ही देंगे। कोई भी ग्रह अपनी शुभ राशि या उच्च राशि में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब दो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अगर ये अग्नि तत्व में ही बैठ जाए, जैसे सूर्य है मेष राशि में जाके बैठता है, तो वो अग्नि तत्व की राशि भी है। अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह बैठा, उच्च बैठा है, तो उसके स्वभाव में उग्रता और बढ़ जाती है, गुस्सा एग्रेसिवनेस और बढ़ जाती है। तो अच्छा फल देखने के लिए हमें जो ग्रह स्वराशि या उस राशि में बैठे होते हैं वो अपनी दशा अंतर दशा में जातकों को शुभ फल देते ही देते हैं।